नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्यू हेल्थ क्लब में, जहां हम लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बेमिसाल जानकारियां। दूध कम बनने के कारण नहीं भरता बच्चों का पेट, ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए आजमाएं ये दो घरेलू उपाय। बच्चे के जन्म के बाद से अगले 6 महीनों तक उसे केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई कारणों से कुछ महिलाओं में दूध कम बनने की शिकायत होती है या बिल्कुल भी नहीं दूध बनता। वहीं कुछ महिलाओं के मन में हमेशा यह उलझन होती है कि क्या उनके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा है या नहीं। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार अगर बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है तो यह समझ सकते हैं कि बच्चे को पर्याप्त पोषण मिल रहा है। ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए न्यू मदर्स को अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को पौष्टिक और संतुलित डाइट लेने की सलाह दी जाती है। सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, दूध और साबुत अनाज के अलावा कई प्रकार के मसाले और हर्ब्स का भी सेवन न्यू मदर्स के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके सेवन से ब्रेस्ट मिल्क अच्छी मात्रा में बनता है। आइए बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। भारतीय घरों में ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई जाती हैं जिनसे दूध का उत्पादन बढ़ता है, जैसे सौंफ, मेथी का पाउडर और लहसुन। ऐसे ही फूड्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने में महिलाओं की सहायता करते हैं। तिल के बीज। काले और सफ़ेद तिल के बीजों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। कैल्शियम बच्चों के विकास में मदद करता है और माँ के शरीर को भी नरिश करता है। आइए बात करते हैं तिल के इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में। तिल को भून कर उन्हें चबाएँ और उसके बाद दूध पिएं। तिल के बीजों को गुड़ और सौंठ पाउडर के साथ मिलाएं और उसके लड्डू बनाकर भी आप खा सकती हैं। मेथी, मूंगफली, घी और तिल को मिलाकर आप लड्डू बना सकती हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। तुलसी की पत्तियाँ। गुड़कारी तुलसी की पत्तियाँ ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं के लिए स्वस्थ रहने का और बेहतर मिल्क प्रोडक्शन का एक कारगर तरीका है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पत्तियों का सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ यह आपके कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को भी जड़ से ठीक करने में आपकी मदद करती है। हालांकि तुलसियों की पत्तियों का सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसका सेवन सावधानीपूर्वक करें। आइए बात करते हैं तुलसी के सेवन करने के तरीकों के बारे में। 1 कप पानी के साथ तुलसी की ताज़ी पत्तियों को उबालकर आप इसे पी सकती हैं। दूध के साथ तुलसी की पत्तियां उबालकर पी जा सकती हैं। सूजी का हलवा बनाने के बाद तुलसी की पत्तियां ऊपर से डालकर भी आप इसे खा सकते हैं। चाय बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डालकर उबालें और इसका सेवन रोज़ाना ज़रूर करें। ऐसा करने से न्यू मदर्स की इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।